हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। आजकल हम बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, कोर्स कवर कर रहे हैं। इसमें हमने इकोनॉमिक्स का भी लास्ट वीडियो डाला था बच्चों के काफ़ी डिमांड पर, और हमने जो पिछली बार लाइव क्लासेस शुरू की थी लॉ ऑफ टॉट की, तो यूनिट वन का जो लॉ ऑफ टॉट हमने शुरू किया था उसका आज लास्ट वीडियो मैं आप सबके बीच में शुरू कर रहा हूँ। लॉ ऑफ टॉट जो है वो बी एल एल बी के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को कवर करता है और एल एल बी के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को कवर करता है लॉ ऑफ टॉट। तो लॉ ऑफ टॉट का जो आज का वीडियो, उसके साथ ही हमारी यूनिट वन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी, और यूनिट वन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप उन वीडियो को पिछले जाके देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है सेकेंड सेमेस्टर की अलग से, तो सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी वीडियो हैं वो उस प्ले लिस्ट में आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो लॉ ऑफ टॉट यूनिट वन का आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने जो पिछली बार यूनिट वन के अंदर 7 क्वेश्चन किए थे वो सारी वीडियो में कवर कर चुका हूँ, और लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन द नेग्लिजेंस एंड राइट इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द इम्पॉर्टेंट केसेस। तो इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि नेग्लिजेंस क्या है, नेग्लिजेंस मीन्स लापरवाही, लापरवाही क्या है, एंड राइट इट्स एसेंशियल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ इम्पॉर्टेंट केसेस। जो भी इम्पॉर्टेंट केसेस हुए हैं उसकी हेल्प से आप इसके एसेंशियल्स बताइए कि नेग्लिजेंस के क्या क्या एसेंशियल हैं। तो नेग्लिजेंस क्या है ये देख लेते हैं। पहले इसका हम आंसर में जो 3 टर्म्स हैं जो नॉर्मली यूज़ होती हैं नेग्लिजेंस के अंदर वो देख लेते हैं। पहला है नॉनफिनेंस। नॉनफिनेंस का मतलब है नॉट डूइंग एक्ट विच यू हैड टू डू, ऐसा कोई भी एक्ट जो आप करने के काबिल थे लेकिन आपने जानबूझकर नहीं किया, वो नेग्लिजेंस के अंदर कवर आता है। मिसफेसेंस यानी कि आपने गलती से कोई एक्ट कर दिया जिसकी वजह से दूसरे का नुकसान हो गया, वो भी नेग्लिजेंस में आता है। मैलफेसेंस मीन्स डूइंग रॉन्ग एक्ट, आपने गलत एक्ट कर दिया यानी कि आपको कुछ करना था लेकिन आपने जानबूझ के नहीं गलती से कुछ गलत कर दिया, तो वो भी नेग्लिजेंस के अंदर कवर होता है। नेग्लिजेंस एज स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर नेग्लिजेंस क्या होता है वो किस तरह बताया गया ये एक बार हम देख लेते हैं। डिस नेग्लिजेंस इन द एलिमेंट वाइल कमिटिंग अदर टॉर्ट्स, यानी कि टॉर्ट्स के साथ साथ, टॉर्ट्स में जो और भी एक्टिविटीज़ आती हैं उसके साथ साथ नेग्लिजेंस भी कवर है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेग्लिजेंटली और केयरलेसली कमिटिंग ट्रेसपास, यानी कि आपने लापरवाही से अनजाने में केयरलेसली ट्रेसपास किया है, यानी कि मिस्टर ए अपने बेडरूम में सो रहे थे और अचानक आप उनके बिना परमिशन के उनके बेडरूम में चले गए, तो ये ट्रेसपास कहलाता है और ये नेग्लिजेंस के अंदर कवर है, और ये लॉ ऑफ टॉट के अंदर इसकी पनिशमेंट दी जा सकती है, ये लॉ ऑफ टॉट का ही एक पार्ट है। और डेफोमेशन, डेफोमेशन होता है कि आपने किसी की गुडविल को, किसी की सोशल इमेज को खतरा पहुँचाया यानी कि नुकसान पहुँचाया है, तो उसके अंदर डेफोमेशन का केस आपके अगेंस्ट बन सकता है। ऑस्टिन, सॉलमोंड एंड विनफील्ड आर द प्रोपोनेंट ऑफ दिस आइडिया ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के आइडिया को डेवलप करने वालों में ऑस्टिन, सॉलमोंड और विनफील्ड, ये 3 नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने नेग्लिजेंस की डेफिनेशन की दी है, उनको डिफाइन किया है। नेग्लिजेंस प्लस अदर इंटीग्रेंट, अगर नेग्लिजेंस के साथ कुछ और इंटीग्रेंट्स मिला दिए जाएँ, कुछ लापरवाहियाँ और जोड़ दी जाएँ, तो सम अदर रॉन्ग्स, तो कुछ रॉन्ग्स निकल के आते हैं जिसमें ट्रेसपास और न्यूसेंस एक्टिविटी दोनों कवर हैं। नेग्लिजेंस एज अ टाइप ऑफ कंडक्ट, नेग्लिजेंस को एक, नेग्लिजेंस का किस तरह का व्यवहार है जो नेग्लिजेंस के अंदर, तो नेग्लिजेंस इज़ अ टॉर्ट इन इटसेल्फ, नेग्लिजेंस क्या है अपने में ही एक टॉर्ट एक्टिविटी है यानी कि टॉर्ट के अंदर कवर होता है। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ द नेग्लिजेंस, ये नेग्लिजेंस का एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग है। विच ट्रीट द नेग्लिजेंस एज अ सेपरेट और स्पेसिफिक टॉर्ट, जो नेग्लिजेंस को एक सेपरेट और स्पेसिफिक टॉर्ट के रूप में परिभाषित करता है। द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स इन द डॉक्यू एंड द स्टीवसन, एक केस हुआ था, काफ़ी फेमस केस है ये डॉक्यू एंड स्टीवसन्स, ये आप चाहें तो नेट पे, अगर गूगल पे आप इसको लिखेंगे, इन कीवर्ड्स को लिखेंगे तो तुरंत ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और ये केस आप वहाँ पढ़ पाएंगे। क्लियर, उसने इस केस में क्लियर किया गया था कि नेग्लिजेंस वेयर द ड्यूटी टू टेक केयर इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक टॉर्ट इन इटसेल्फ, नॉट सिंपली एन एलिमेंट इन द सम अदर टॉर्ट, यानी कि यहाँ पे बताया था कि नेग्लिजेंस जो है खुद में एक टॉर्ट है, उसको टॉर्ट का एलिमेंट नहीं कहा जा सकता, यानी कि नेग्लिजेंस जो है वो एलिमेंट ऑफ टॉर्ट नहीं है, वो खुद में एक टॉर्ट है यानी कि उसके अगेंस्ट टॉर्ट का केस बन सकता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है जो आपको पढ़ लेना चाहिए। सो लेट रीड अबाउट इट इन अ डिटेल, इसको डिटेल में एक बार रीड कर लेते हैं। नेग्लिजेंस इक्वल टू रॉन्ग इन इटसेल्फ, नेग्लिजेंस जो है वो जो अपने आप में खुद गलत है वो नेग्लिजेंस के अंदर कवर होता है।
तो एसेंशियल ऑफ नेगलिजेंस, अब एसेंशियल्स क्या है, नेगलिजेंस के एसेंशियल्स क्या हैं उसको देख लेते हैं। ड्यूटी ऑफ केयर टूवर्ड्स द प्लेंटिव, प्लेंटिव के प्रति आपकी जो ड्यूटी है, आपने उसको केयर किया, आपने ड्यूटी पूरी की या नहीं की। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आपने ड्यूटी का खनन किया, यानी कि आपने ड्यूटी को ब्रीच किया। कॉन्सिक्वेंशनल हार्म्स टू द प्लेंटिव, आपने प्लेंटिव को हानि पहुँचाई। ड्यूटी ऑफ केयर टूवर्ड्स द प्लेंटिव, प्लेंटिव की तरफ आपकी ड्यूटी क्या बनती है, पहले इसको देख लेते हैं। द ड्यूटी ऑफ केयर शुड बी ऑफ अ रीजनेबल नेचर। बॉल्टन वर्सेस स्टोन, बॉल्टन वर्सेस स्टोन का जो केस हुआ था 1951 में, उसमें इसको कवर किया गया। इट शुड बी टूवर्ड्स द प्लेंटिव, ये प्लेंटिव की ड्यूटी को बताता है कि प्लेंटिव की क्या ड्यूटी होनी चाहिए। डोनाग्यू वर्सेस स्टीवसन का जो केस था 1932 का, और बॉर्न हिल वर्सेस यंग का भी केस था 1943 का, ये तीनों चारों जो केस मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तीनों केस, इन तीनों केस को आप गूगल पर लिख कर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज लिख लेना। तीन तीन चार चार लाइनों में इन केस की डिटेल्स भी आप इसमें लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा आंसर आपका तैयार हो जाएगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनर दे सकता है। अब अगला जो हमारा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, वो देख लेते हैं। डिफेंडेंट इज़ नॉट लाइबल टू टेक केयर ऑफ द एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेज, यानी कि सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेज को छोड़ के बाकी किसी भी सर्कमटेंसेज में आपने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया है तो आपके अगेंस्ट टॉर्ट का केस बनता है। डिफेंडेंट वुड बी लाइबल ओनली फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज विच कैन बी रीजनेबल फोरसीन बाय एन ऑर्डनरी प्रूडेंट मैन एंड वुमेन, यानी कि ऑर्डनरी प्रूडेंट मैन और वुमेन के केस में, ऑर्डनरी वुमेन्स के और मैन के केस को में कुछ एक्सेप्शनल एक्टिव सर्कमटेंसेस को छोड़ के बाकी किसी भी सर्कमटेंसेस में आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, यानी कि आपका कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसका खंडन किया आपने, तो ऐसे केसेस में आपके अगेंस्ट टॉर्ट का केस बनता है। तो आगे देखते हैं अब इसको, कॉन्सिक्वेंशनल हार्म टू प्लेंटिव, अगला है ये कि आपने प्लेंटिव को कॉन्सिक्वेंशनल हार्म पहुँचाया है अपने किसी एक्टिविटी की वजह से, किसी ऐसी एक्टिविटी जो आपके नेगलिजेंस को दिखाती है। द हार्म मे बी बॉडीली हार्म, ये हार्म जो है वो बॉडीली हार्म हो सकता है, आपको शारीरिक चोट लग सकती है। हार्म टू रेपुटेशन, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर नुकसान हो सकता है। हार्म टू प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। आपका फाइनेंशियल लॉस भी इसमें कवर है। आपकी मेंटल हार्म, आपको दिमागी रूप से कोई परेशानी हुई है, कोई डिप्रेशन हो गया है, वो भी इसमें कवर है। नीड टू शो द अदर पार्टी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अदर पार्टी को इसके लिए लायबल, यानी कि दोषी ठहराए, वो इसको उसको प्रूफ करना होता है। बर्डन ऑफ लायबिलिटी जो है वो प्लेंटिफ के ऊपर है। वॉज बोथ द एक्चुअल एंड द अप्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ द हार्म, यानी कि दोनों ही केसेस में, चाहे वो कॉज ऑफ फैक्ट हो चाहे वो अप्रॉक्सीमेट कॉज हो, दोनों ही केसेस में जो ड्यूटी ऑफ बर्डन है या ड्यूटी ऑफ लायबिलिटी है वो प्लेंटिफ की है। दिस थ्री कंडीशन मस्ट बी फुलफिल टू अप्लाई दिस डॉक्ट्रिन, इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने के लिए आपको तीन कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। द डिफेंडेंट वॉज इन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन और इंस्ट्रूमेंट डेट कॉज द इंजरी, यानी कि जो जिस वजह से इंजरी हुई है या जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में इंजरी हुई है उसको कंट्रोल करने का पूरा जो राइट था या अधिकार था या कर सकता था वो डिफेंडेंट कर सकता था। उसके बाद द इंजरी वुड नॉट हैव ऑर्डिनरली इनकर्ड बट फॉर द डिफेंडेंट नेगलिजेंस, जो इंजरी थी वो ऑर्डिनरी नहीं थी लेकिन डिफेंडेंट की वजह से, उसके नेगलिजेंस की वजह से वो इंजरी हुई। द प्लेंटिव इंजरी वॉज नॉट ड्यू टू हिज ओन एक्शन और कंट्रीब्यूशन, प्लेंटिव की जो इंजरी है वो उसके एक्शन की वजह से, यानी कि उसके एक्शन के रिएक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो प्लेंटिव का इसमें अगर रोल होगा तो नेगलिजेंस का केस नहीं बनेगा। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेगलिजेंस जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, जिसमें मैंने जितने भी केसेस दिए उन सब केसेस की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। कम से कम 5 से 10 लाइनों में या 5 से 6 लाइनों में अगर आप डिटेल भी कर लेंगे तो एक बढ़िया आपका क्वेश्चन जो है सेक्शन सी का कवर हो जाता है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना समय दिया आप सबने। अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। अभी मैं बार बार कहता हूं कि एग्ज़ाम में आपका समय नहीं है, आप टाइम से पढ़ना शुरू करें ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी बर्डन ऑफ लायबिलिटी कम हो जाए, आपको पहले से काफ़ी सब्जेक्ट का ज्ञान हो।
तो मेरी कोशिश है कि जितना टाइम टू टाइम मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप उसी को भी अगर ढंग से कर लेते हैं तो आपका सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके आप मुझे कोई भी वीडियो पर टॉपिक, आपको कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अगर जाके लिखेंगे तो मैं उस सब्जेक्ट का वीडियो बना के जल्दी ही आपके बीच में डाल दूंगा। तो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपनी सभी फ्रेंड्स और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना समय देने के लिए मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। मैं एजुकेशनल वीडियो BA, BA LLB और LLB से जुड़े हुए आपके बीच में इसी तरह लगातार लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड।